पीटीआई का मसला ये है कि एक बीमारी है जिसका नाम होता है एमिनेसिया, जो कि इंसान भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और वो क्यों होती है वो मैं टीवी पर नहीं बताना चाहता हूँ तो वो अच्छा इखलाकी तौर पर सूट नहीं करता है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को शायद वही बीमारी हो सर, थोड़ा सा मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें, जैसे कि आपने कहा, हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं इतनी अंग्रेजी समझ पाऊँ। मेरी बात सुने, बीमारी है, आप जाकर गूगल पर चेक कर सकते हैं, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ उस हिसाब से कह रहा हूँ। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग, हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। एंटरटेनमेंट का सामान पिछले हफ्ते मिला, मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में भी शायद इतनी एंटरटेनमेंट मेरी कभी हुई होगी, और एंटरटेनमेंट जो हुई उसका सबब भी मैं बताए देता हूँ। पै दर पै लताइफ की भरमार हुई है, अल्लाह ताला रहम ही फरमाए। ये पाकिस्तान की मेरा ख्याल है 74-75 साल तारीख में पहली मर्तबा हुआ होगा कि एक ऑर्डर देने वाला खुद अपने आप को ढूंढता फिर रहा था, और वो ऑर्डर देने वाला कोई और नहीं, मुल्क का वजीर आजम था, और वो वजीर आजम खुद अपने आप को इसलिए तलाश कर रहा था क्योंकि उसे मालूम करना था कि भारत से, एक दुश्मन मुल्क से जिसने कश्मीर पर गासिबाना कब्जा कर रखा है, चीनी और कपास मंगवाने वाला कौन है, ये जानना चाहता था हमारा वजीर आजम। खुद वो वजीर आजम जिसे हम्माद अजहर साहब ने बताया कि सर मुझे तो आप ही ने ऑर्डर दिए थे, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। मैंने देखा, बहुत ढूंढा कि शायद कहीं इस हवाले से कोई कवरेज हो, कोई एंकर, कोई जैयद मुस्तनद एंकर, आजादी सहाफत का अलमबरदार, कोई चैंपियन, कोई इस पर बात करे। सन्नाटा सन्नाटा। वजीर आजम साहब काबीना में खुद अपने आप को तलाश करते पाए गए, एक लतीफा, दूसरा लतीफा फिर आज। आम हालात में अगर ये किसी और के साथ हुआ होता तो हम उसे कहते आपका साबुन स्लो है क्या। एक हफ्ते के बाद आपको समझ में आ रहा है अनवर मसूद किस बात पर हंसे, किस किस बात का रोना रोए, मेरी तो अब समझ में नहीं आ रहा। 7 दिन गुजर जाने के बाद वजीर आजम को ख्याल आया कि आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से हमें काट दिया गया। इतने मासूमाना अंदाज में, मासूमाना को इन्वर्टेड कॉमाज में ही समझिएगा, काबीना में बैठे हुए और अपने आप को ही खुद तलाशते फिर रहे थे मोहतरम वजीर आजम साहब। वो तो हम्माद अजहर साहब स्मार्ट निकले तो उन्होंने वजीर आजम का नाम लेकर के अपनी जान बख्शी कराई, वरना उनकी गर्दन अब तक उतार ली जाती। एक ट्वीट मुलाहिजा कीजिए, उसकी इबारत पढ़ करके यकीनन आप, बल्कि सुन करके यकीनन खुश होंगे। काबीना इजलास के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने भारत के साथ तजारती ताल्लुकात बहाल करने की तजवीज देने पर वजीर तजारत इमरान खान की सरजनिश कर दी। वजीर तजारत इमरान खान की वजीर आजम इमरान खान से माजरत, वजीर आजम का माजरत कबूल करने से इनकार, काबीना का वजीर तजारत पर गद्दारी का पर्चा कटवाने का फैसला। सर कुछ ऐसी ही कॉम्प्लेक्स सूरतयाल नहीं है? आरफीन भाई मैं कर्ज करूं, आपको अल्लाह ताला ने लफ्जों के बहुत सारे जखायर दिए हैं और आप उनका कोशिश करते हैं भरपूर इस्तेमाल किया जाए। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें लॉजिकल बात करने का बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि बोथ साइड्स का मौकफ कौम के सामने पेश हो जाता है। मैं लफ्जों में तो आपसे नहीं जीत सकता, लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आप कुछ ऐसी चीजों को पॉजिटिवली डिस्कस किया करें जो माजी में कभी नहीं होती थी। आप इक्तसादी राबता काउंसिल के हवाले से आपके इल्म में, राबता कमेटी के हवाले से आपके इल्म में है कि बहुत सारी इक्तसादी और मौशी मामलात के हवाले से डिसीजंस होते हैं, और वो डिसीजंस बुनियादी तौर पे कई जगहों पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि हमें ये चीज बाहर से मंगवाने में कहां से इसका रेट्स आसान होगा, कहां से इसकी पहुंच जल्द होगी, और जब वो कमेटी डिसीजन कर लेती है तो फिर फेडरल कैबिनेट में चीजें सारी पेश होती हैं। और आपके इल्म में होगा कि इस बार फेडरल कैबिनेट के एजेंडे में भी ये चीज शामिल नहीं थी कि हमने भारत से कोई चीज मंगवानी है या नहीं मंगवानी, लेकिन वज़रा के इसरार पर, वज़रा की, क्योंकि आपके मीडिया ने चीज को फ्लैश किया, प्राइम मिनिस्टर ने जब इस्तफसार किया और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह से कश्मीर के लोगों के साथ मोदी सरकार ने हाथ किया, हम किसी सूरत भी हिंदुस्तान के साथ तजारत नहीं करना चाहते। मैं समझता हूं आपने कहानी का जो इब्तदाई हिस्सा है उसमें रंग भरे, जाहिर है आपको रंग भरने आते हैं, लेकिन जो इख्तामी हिस्सा है, जो रिजल्ट देता है, जो ये बताता है कि पाकिस्तान का ऐसे नेशन, क्या पाकिस्तान की राय है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की साइड पर चल रही है। आपको चाहिए था कुछ दो जुमले, मुझे पता है आपसे बर्दाश्त नहीं भी होगा, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा मेरी इस बात पर,
आप मेरी अभी क्लास भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप दो जुमले इस बात पर फरमा देते तो आज कुछ भी नहीं होना था। ना कराची के मौसम में कोई तब्दीली आनी थी, ना जनाब की तबीयत में आपके मिजाज पे कुछ नागवार गुजरनी थी। आपने कौम को यह बताना था कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस मोदी सरकार को, उस हिंदवाता माइंडसेट को, उस शख्स को, उस हुकूमत को, उन लोगों को जिनको पाकिस्तान के साबका दबाव में प्राइम मिनिस्टर बगैर वीजों के यहां इन्वाइट किया करते थे, मरी में जंदाल जो टाइकॉन था स्टील का उसके साथ बैठ के मुजाकरात किया करते थे, और किस तरह से बनारसी और लाहौरी साड़ियों के गिफ्ट किया करते थे। आपके मुल्क में ऐसा शख्स हुक्मरान है कि जिसने सही मानों में प्रैक्टिकली साबित किया कि हम हिंदुस्तान के साथ अच्छे तालुकात उस वक्त चाहेंगे सिर्फ जब हिंदुस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ शुरू होता है। साबित करने में सिर्फ 24 से 36 घंटों की देर हो गई, इसलिए ये साबित करना जो है वो गले पड़ गया। आपने मुझ पर मीनाकारी का इल्जाम भी आयद किया, मैं नहायत शान से इसे रद्द किए देता हूं, इस्तरदाद पेश किए देता हूं। सर बात यह है कि वजीर आजम को जब कश्मीरियों का ख्याल आया उस वक्त तक कश्मीरी खुद भी भूल चुके थे, फातह पढ़ के सो चुके थे इस एक हरकत पर जो हमारे अपने मसीहा की जानिब से, हमारी अपनी हुकूमत की जानिब से हुई थी। टेक्निकली स्पीकिंग वजीर आजम को शोकॉज नोटिस नहीं, सस्पेंड कर देना चाहिए था, उनको मुलाजमत से बर्खास्त कर देना चाहिए था, उनकी जगह किसी मुनासिब आदमी को लेकर के आना चाहिए था जिसको कश्मीर और कश्मीरियों से पाकिस्तान के हुब का अंदाजा जरा सा भी होता। हम्माद अजहर ने 24 घंटे 36 घंटे पहले 48 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक्स में बताया कि हम काबीना इस मामले पर गौर खोज के लिए भी जा रही है और इंडिया भी दिया कि हम ये काम करने जा रहे हैं। वजीर आजम कहां थे, इस्लामाबाद में कौन सी चोटी पर वो थे कि उनके कानों तक ये खबर न गई। उसके बाद फिर काबीना का इजलास हुआ, वहां पर खुद ही अपने आप को वो तलाशते फिर रहे थे। वो तो अगेन फिर मैं कह रहा हूं कि कहानी का वो रुख जो आप नहीं बता रहे, फिर आपको याद आया कि अरे ये तो कश्मीर और फलाना और ढिमकाना, फिर हम्माद अजहर जो है उनकी स्मार्टनेस उनकी क्लेवरनेस काम आई और उनकी जान बख्शी हुई, वरना उनका नाम भी शहीदों की लिस्ट में आ चुका होता। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा में आपकी तरफ आता हूं, आगे जाऊंगा। सेनेटर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सर पाकिस्तान में इस तरह की सियासी लताइफ बहुत देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा लतीफा तो हमें उस वक्त भी नजर आया जब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब बगलगीर हुए। मुझे पहले ही पता था कि साजे की आंटी चौराहे पर फूटेगी और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चश्मे फलक ने हमें ये। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया के ये एंकर तो काफ़ी मशहूर हैं भारत में, आपने देखा होगा। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल तरीका है एंकरिंग करने का, बदतमीज टाइप की बातें होती हैं। ठीक है, लोगों को पसंद आती हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर ये एंकर बात कर रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जो मतलब आपने देखा यू टर्न लिया। पहले प्राइम मिनिस्टर का एक मिनिस्टर बोलता है कि इंडिया से हम ट्रेड चालू करेंगे, इंडिया से हम कपास लेंगे, इंडिया से हम शक्कर शुगर लेंगे और बहुत सारी चीज़ें कॉटन वगैरह लेंगे, इस तरीके की बातें उसने बोली। तो आप समझ सकते हो मिनिस्टर ये बात करेगा कब, मिनिस्टर ये बात करेगा जब जब प्राइम मिनिस्टर या हायर अथॉरिटी मतलब इस तरीके के कुछ मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ों के बारे में विचार करेगी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस तरीके की बातें कर दी, जिससे कि आपने देखा कि ये बातें कर रहे हैं कि कश्मीर से जब तक आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटता नहीं है तब तक ये मतलब ट्रेड वगैरह नहीं हो सकती, हिंदुस्तान से हम बात नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हो दोस्तों किस तरीके के कंफ्यूज हैं ये, किस तरीके का इनका कंफ्यूजन है, और मतलब आप क्या बोल सकते हो। आप देख सकते हो कि जो सबसे पहले आपने क्लिप देखा उसमें एक स्पोक पर्सन बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को एक बीमारी है जिसके कारण ये याददाश्त वगैरह या कुछ भी आदमी बोल जाता है उसके बारे में बता नहीं सकता कि ये कैसे हो सकती। इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नशा करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नशा करेंगे तो इसी तरीके की बातें करेंगे और मतलब इसी तरीके का उनका मतलब ये रवैया रहेगा। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का यू टर्न फिर से शायद यू टर्न हो जाए, और ये अभी आपको पता है कि रमज़ान आने वाला है। रमज़ान में होता क्या है, पाकिस्तान जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में, इंडिया में भी होता होगा मुझे नहीं पता, कीमतें जो रहती हैं वो बढ़ जाती हैं। जो व्यापारी लोग हैं वो मतलब कमाई करना चाहते हैं, तो जो फूड से रिलेटेड जो कीमतें रहती हैं खाने पीने के सामानों की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो पाकिस्तान में वैसे भी शुगर इतनी महंगी है, गेहूं वहाँ पर है नहीं, लेकिन जब तक तो शायद गेहूं की फसल कट जाएगी। तो इस तरीके की घटनाएं पाकिस्तान में हो रही हैं, देखते हैं कितना दिन और रोकते हैं। वैसे तो मैं चाह रहा था कि ये रुका रहे थोड़ा, ये लोग और मतलब टूटे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हो, देखते हैं ये कितने दिन रुकते हैं या फिर ये यू टर्न में भी यू टर्न लेकर फिर से मतलब बोलेंगे कि इंडिया में ये चीज़ें दे दो।
तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।